हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जैसे गनफिट कैसे निकाला जाता है, लकड़ी का गनफिट आपको निकालना सिखाने वाला हूँ कैसे निकाला जाता है। जो लकड़ी अगर आप लेने जाएंगे तो लकड़ी का जो मिलेगा लकड़ी आपको वो गनफिट के हिसाब से मिलता है, तो गनफिट आपको निकालना आना ज़रूरी है। और एक फार्मूला भी बताऊँगा मैं, जो फार्मूला नंबर वन है वो फार्मूला आपको मैं यहाँ पे गनफिट निकाल के दिखाऊंगा। जो फार्मूला बहुत ही ईजी है गनफिट निकालना, बहुत ही वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हमारा जो है लकड़ी का गनफिट निकालते हैं। और ये जो लकड़ी हम लोगों ने जो देख रहे हैं आप, जो हम लोगों ने लकड़ी यहाँ पे लाया हुआ है जितना लकड़ी, वो कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो गनफिट निकालने का जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फार्मूला हमारा रहेगा वो 144 का रहेगा, तो ये वाला आपको याद रखना है फार्मूला। जो लकड़ी का आप गनफिट निकालेंगे तो ये वाला जो गनफिट निकालने का जो तरीका रहेगा, जैसे कि हमारा जो चौड़ाई है, चौड़ाई इंटू मोटाई इसका रहेगा और लंबाई आपका फिट में रहेगा, तो ये फार्मूला काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा लकड़ी है वो मान लो 10 इंच है चौड़ाई में, जो इसका चौड़ाई है वो 10 इंच है, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 10 इंच। ये हो गया हमारा 10 इंच, हम यहाँ से गुणा करेंगे 10 को। इसका मोटाई है, ये जो मोटाई है, ये लकड़ी कितना मोटा है 2 इंच, इसका जो मोटाई है उससे गुणा करेंगे, ये हमारा हो गया 2 इंच। अब इसको गुणा करेंगे जो लंबाई है। दोस्तों अभी जो हमारा ये लकड़ी का जो लंबाई है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो लंबाई हमारा वो कितना है। तो यहाँ से ये लकड़ी का लंबाई, दोस्तों 9 फीट 1 इंच से समझ लो, ये 9 फीट है, 9 फीट का ये हमारा लकड़ी है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 फीट। ये दोस्तों आपको याद रखना है, जो लंबाई हमारा रहेगा वो फिट में रहेगा, तो यहाँ पे इसका जो गुना करेंगे टोटल जो भी है इसका, तो हमारा माप निकल के आएगा 180। ठीक है, अभी क्या करना है दोस्तों, इसका ये 180 निकल गया है, ये इसका नाप निकल गया है, 180 को हमको भाग देना है 144 में। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 144 में जब भाग देंगे तो हमारा जो कैलकुलेटर से आप देख ले, माप निकाल दो इससे भाग दे दो, हमारा जो निकल के आया 1.25, ये घनफिट हमारा निकल के आया 1.25, ये हमारा घनफिट निकल के आया। तो अभी ये समझ लो, ये जो लकड़ी है हमारे को कितने में पड़ेगी, अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो ये लकड़ी जैसे हमारा घनफिट ये निकाल दिया हमने, घनफिट निकालना आ गया हमको और ये हमारा घनफिट हो गया। अभी क्या करना है, घनफिट को गुणा करना है हमारा जो लकड़ी का रेट रहेगा वो। एग्जांपल ये जो लकड़ी है हमारा सागवान का तांजनी वाला जो लकड़ी जो बोला जाता है वो है, जो इसका जो रेट है हमारा जैसे कि 3500 रुपये, रेट ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे जो 3500 रुपये है तो कहीं पे 3000, 2500, जैसे लकड़ी के हिसाब से इसका फर्स्ट जो रेट रहेगा जो लकड़ी का सागवान का जो फर्स्ट का माल रहेगा उसका भी रेट और ज़्यादा रहेगा, तो इसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आपका ये घनफिट निकालना मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो ये जो घनफिट हमारा निकल के आया और इसका जो है इसको गुणा करेंगे तो हमारा जो निकल के आ रहा है समथिंग 4375, ये हमारा लकड़ी का, ये जो लकड़ी है हमारे को 4375 में पड़ेगा। ये जो लकड़ी कितना है आपको देखो, ये 10 इंच चौड़ा है और मोटाई में ये 2 इंच और इसका लंबाई है लकड़ी का वो 9 फीट, तो ये 9 फीट और 10x2 का लकड़ी हमारे को पड़ेगा 4375 रुपये में। तो इस प्रकार से ये घनफिट निकाला जाता है। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये हमारा चौड़ाई हो गया, ये हमारा मोटाई हो गया और ये लंबाई हो गया, इसको गुणा करना है तो हमारा 180 आया निकल के, इसको भाग देना है इससे जो फॉर्मूला है हमारा उससे भाग देना है और इससे हमारा घनफिट निकल के आ जाएगा। घनफिट के हिसाब से हम जो रेट है उससे गुणा करेंगे तो ये हमारा इस लकड़ी का रेट निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये घनफिट निकला जाता है। दोस्तों ये जो लकड़ी हम लोगों ने लाया वो कहाँ पे मैंने यूज़ किया वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे देख रहे हैं आप, ये साला लकड़ी सागवान का लकड़ी है और ये वाला जो लकड़ी है ये चौकट में हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। देख, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो चौकट है वो हम लोगों ने इस लकड़ी में ही बनाया हुआ है, इसको फिटिंग किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं फास्टनर से यहाँ पर हम लोगों ने इसको फिटिंग किया हुआ है। तो ये जो पूरा चौकट है हम लोगों ने यहाँ पर लकड़ी का बनाया हुआ है, जैसे देख रहे हैं आप, जो बाथरूम का जो चौकट है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर इस लकड़ी का ही बनाया हुआ है।
तो ये जो सारा लकड़ी है हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे जो ये लिविंग रूम का एरिया, यहाँ पे भी लकड़ी का जो है पूरा फ्रेंच डोर वगैरह जो भी आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।